बेटे तुम क्या कर रहे हो? ये बर्तन वर्तन गिराना बंद करो। तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं क्या? तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया है? चलो इधर आओ, यहाँ पर आकर बैठकर मेरे साथ में अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करो। ओ नहीं मम्मी जी, अभी तो मुझको खेलने दो, फिर स्कूल खुल जाएंगे तो हमको डेली स्कूल जाना होगा। आप हमको छुट्टी के वेकेशन में कहीं घुमाकर भी नहीं लाए और हम घर पर खेलते हैं तो आप हमको घर पे भी नहीं खेलने देती हो। ठीक है, मैं तुमको खेलने दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम अपना होमवर्क पूरा करो, नहीं तो टीचर तुम्हारी पिटाई करेंगी। ये क्या मम्मी, जब देखो आप हमको बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आप तो पढ़ाई करते ही नहीं हो, हम तो आपको नहीं बोलते ना पढ़ाई करो। चल बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा, लेकिन आप मुझको पहले मैगी बनाकर दीजिए, मुझको बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं पहले मैगी खाऊंगा और उसके बाद में पढ़ने के लिए भी बैठूंगा। मम्मी झटपट से 2 मिनट में बच्चों को मैगी बनाकर दे देती है और बच्चे प्यार से मैगी खाते हैं और मैगी खाने के बाद में फिर से खेलने की शरारत करने लगते हैं। अरे बेटा तुम तो बहुत ही ज्यादा शरारती हो गए हो, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मैगी खाने के बाद में अपना होमवर्क पूरा करोगे, फिर होमवर्क पूरा नहीं करके ये खेलने लगे हो फिर से। मम्मी अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, मैं थोड़ी देर कार्टून देख लूँ, मैं उसके बाद में फिर होमवर्क पूरा करूँगा। अभी मेरा जो फेवरेट सीरियल है वो निकल जाएगा। इन बच्चों के बहाने सुन सुन के तो मैं परेशान हो गई हूँ, कभी भी अपना कोई भी काम सही से नहीं करते हैं, सारा सामान इधर से उधर बखेर के रख देते हैं, स्कूल भी खुलने वाले हैं होमवर्क भी पूरा नहीं कर रहे हैं, इनको प्यार से समझाना तो बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। मम्मी मम्मी मम्मी, आपका ये छोटा बच्चा तो मुझको सीरियल ही नहीं देखने दे रहा, देखिए मेरे चैनल को बदल देता है ये, मुझको तो मोगली ही देखना है, मुझको मोगली के कार्टून अच्छे लगते हैं, आप इसको समझाइए ना, देखिए मेरे चैनल को हटा देता है ये। तुम बच्चों से तो मैं तंग ही आ चुकी हूँ, वो सामने देखो टूनी चिड़िया के बच्चे 7 बच्चे हैं, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करते हैं, वो शांति से बैठकर अपना पहले होमवर्क पूरा करते हैं, उसके बाद शांति से खाना खाते हैं, लेकिन तुम दोनों बच्चे कभी भी शांति से अपना काम नहीं करते हो, पूरे दिन ऐबदारी करते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो। अरे बेटा स्कूल खुलने वाले हैं, अपना होमवर्क पूरा कर लो जल्दी से, नहीं तो तुम्हारी टीचर तुम्हारी पिटाई करेंगी। ए छोटे भाई चल बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं, अभी मम्मी को गुस्सा आ गया है, नहीं तो मम्मी डंडे से पिटाई कर देगी, चलो बैठकर अपना पहले होमवर्क ही पूरा कर लेते हैं। मम्मी को काफी परेशान करने के बाद में आखिरकार बच्चे अपना होमवर्क करने के लिए बैठ जाते हैं और अपना होमवर्क करने लगते हैं।